तो देखिए फ्रेंड्स, यह आपका देखिए झारखंड में बहुत सारे यूनिवर्सिटी में, अगर आप झारखंड के किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो काम में आएगा। अगर आप बाहर के हैं तो देख लीजिए, सब्जेक्ट मिलाना पड़ेगा तभी काम में आएगा, बाहर वालों का मैं जिम्मेवारी नहीं लूँगा, ठीक है। तो देखिए फिजिक्स सेमेस्टर 2 जनरिक इलेक्टिव या जनरल के रूप में रखे हैं, तो क्वेश्चन देख लीजिए इसी टाइप के आएंगे, या 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, सेमेस्टर 2 में जनरिक इलेक्टिव और जनरल दोनों के लिए। समय 3 घंटे दिए जाते हैं, फुल मार्क्स 60 होता है, एंड आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के आंसर करने होते हैं इस पेपर में। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 12 मार्क्स का होता है, ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 12 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 आपके केवल 4 अंकों वाले 3 ही प्रश्नों के आंसर करने हैं, टोटल 6 हैं यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं। डिफाइन क्वेश्चन पहला है कि डिफाइन डी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गिव इट्स यूनिट एंड डायमेंशन। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चेंज चार्ज, ठीक है। सी नंबर है कि प्रूव दैट कैपेसिटी ऑफ अ आइसोलेटेड स्फीयर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। तो इसी तरह डी नंबर है, फिर ई नंबर है, एफ नंबर है, ठीक है, ये हो गया डी ई एफ। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि 12 मार्क्स का है, इसमें पूछा गया है कि स्टेट एंड प्रूव गैस थ्योरम इन डी इलेक्ट्रिक्स, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे डिफाइन करने बोला गया है कैपेसिटी को, ठीक है, कैपेसिटी डिफाइन कैपेसिटी फाइंड कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा गया है कि यूजिंग बोल्ट, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे ये है, फिर है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 स्टेट गैस लॉ इन इलेक्ट्रॉनिक्स, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, ये हो गए, और केवल 4 ही प्रश्नों के आंसर करने हैं 12 मार्क्स वाले। एंड क्वेश्चन नंबर 9 जो कि इस पेपर का अंतिम क्वेश्चन है, इसमें अगर आप बनाते हैं तो इसमें आपको 2 प्रश्नों को सॉल्व करना होगा, ठीक है, ये देखिए। तो ये थे क्वेश्चन पेपर, यार क्वेश्चन पेपर देख के एक अनुमान हो जाता है कि आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, तो सॉल्व कर लीजिए, 102 क्वेश्चन यहाँ से तो मिल ही जाएंगे, एंड इसी तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे सबको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका पेपर अच्छे से चला जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी, एंड इसके बाद अगर आप ACC का पेपर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, सभी के क्वेश्चन पेपर यहाँ पर अपलोडेड हैं। थैंक यू।